जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2009 का आपका एग्जाम रहा था। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंप्लीट क्लास के लिए आप हमारे साथ यहां पर बने रहें। एचआरटीसी कंडक्टर का आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में, 2023 का जो आपका एग्जाम है दिसंबर मंथ में होने वाला है, और एक महीने से भी कम समय जो है वो आपके पास बचा है। और HPPSC जो है शिमला बोर्ड, उसको जो है वो कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि अभी राज्य चयन आयोग आपका पूरी तरह से नहीं बना है। सो पहला एग्जाम आपका ये रहेगा जो कि सुखू सरकार जो है वो करवाने वाली है, और लगभग एक साल के बाद, सरकार बनने के एक साल बाद आपका जो है ये पहला पेपर जो है वो HRTC का होने वाला है। तो HRTC कंडक्टर का आज हम 2009 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में पूछे गए थे, कंप्लीट उनको हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vijaypatheducation.com पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ में हमारे HRTC से रिलेटेड ऑनलाइन बैच, पेड बैच और इसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये में आपको इसका ऑनलाइन बैच, हमारे फ्री नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज आपको HRTC की मिलने वाली है। तो वेबसाइट पे आप विजिट करें या फिर डाउनलोड करें विजयपथ गवर्नमेंट प्रेपरेशन ऐप। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रहेगा। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो हिंदी के सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन फर्स्ट हमारा रहेगा, सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है। तो HRTC 2009 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था कंडक्टर का, उसको आज हम जो है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास के साथ आप बने रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए थे कंजूस, मितभाषी, मितव्ययी या फिर निरामिष। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मितव्ययी। व्ययी का मतलब होता है खर्च करना। कंजूस जो है वो है कि वो खर्च ना करे। कंजूस किसको कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बड़ा कंजूस है, मतलब कि वो खर्च नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपसे पूछे गए थे, जो अभी दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, सबसे बड़ा एग्जाम है हिमाचल का HRTC कंडक्टर का, उसमें भी आपसे इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जो है वो वर्णन किया गया था। तो कुल आप सभी जानते हैं 22 भारतीय भाषाओं को जो था वो शामिल किया गया था, और ये आठवीं अनुसूची में जो था इसका जो है वो वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसमें पहले जो थी वो 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था, और वर्तमान में अब जो है वो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना किसी अवरोध के यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के स्वर तंत्रियों से उच्चारित स्पष्ट मूल ध ध्वनियां क्या कहलाती है। ध ध्वनियों की बात की गई है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण, व्यंजक, व्यंजन, विसर्ग या फिर स्वर। तो उनको क्या कहते हैं, बिना किसी अवरोध के जो डायरेक्ट ही ऐसे निकल जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्वर जो है उनको कहा जाता है जिनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगती है, डायरेक्ट वो ध्वनि जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, द्वितीय एवं पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्रांतों के आधार पर क्या कहा जाता है। देखिए, प्रांतों की बात की गई है, तो कौन कौन से बोले गए हैं, प्रथम तृतीय और पंचम। प्रथम का मतलब क्या आएगा, क आएगा, ठीक है, क के बाद ख, फिर आएगा ग, ग यानी कि तृतीय की बात की गई, ठीक है, ग, फिर और इसके बाद पंचम, या इसके बाद जितनी भी आगे ध्वनियां निकली आती हैं, जैसे कि ज है, प है, ये सारी की सारी जो है वो कम वायु प्राण की होती है। कम का मतलब होता है अल्प, अल्प मतलब कम, यानी कि ऑप्शन ए उनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, जिनमें काफी कम वायु प्रवाह से जो है वो उनको बोला जाए, उनको अल्प प्राण कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पंचम, तृतीय और प्रथम व्यंजन ध्वनियों को जो है वो अल्प प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। HRTC 2009 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम लिखकर भी अधिक प्रसिद्धि पाने वाले हिंदी प्रारंभिक कहानीकार कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
हिंदी कहानीकार कौन थे, तो इसका जो था वो यहाँ पे बेसिकली राइट आंसर जो था वो प्रोफेसर यशपाल जी को हम जो थे वो मान सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हिंदी के इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ गलती थी, मैंने सिर्फ यही कहा कि हम ऑप्शन सी को मान सकते थे, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका इनकोरेक्ट डाला गया था। इनकोरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी ऑप्शन चार आपके पास सामने दिए गए ये सभी हिंदी के ही क्या है, कहानीकार हैं, लेकिन कम लिखकर भी अधिक प्रसिद्धि पाना, यानी कि इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हो और ज्यादा प्रसिद्धि पा ली हो, इनमें से ये ऐसा कोई भी नहीं था। इसलिए ऑप्शन ए बी सी डी में से हम किसी को भी बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो नहीं बता सकते। ऑप्शन जो क्वेश्चन फाइव था वो आपका किस कैटेगरी का रहेगा, इनकोरेक्ट कैटेगरी का रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जी जी विशा का अर्थ क्या है, जी जी विशा का अर्थ क्या है, शाबाशी, स्वर ध्वनि, शामिल होना या फिर जीने की इच्छा। तो जी जीविशा, जी का मतलब क्या होता है, जीना, यानी कि जीने की इच्छा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, एक है सिंपल ई और एक है ई इमली। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा कंठ तालु या फिर दंत। आप बोलने से ही पता कर सकते हैं, ई ई ई से क्या हो रहा है आपकी, ई ई यानी कि आपकी तालु का जो है वो यहाँ पे कनेक्शन है, उच्चारण स्थान क्या रहेगा इसका, तालु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, मनुष्य धन के लिए देश विदेश में भटकता है, इसमें कौन सा कारक है। देखिए बात की गई है कि मनुष्य धन के लिए कहां भटकता है, देश विदेश में भटकता है, कौन सा कारण है, के लिए, धन के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ संप्रदान के लिए होता है ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कारक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, संप्रदान के लिए, आपादान से जुदाई, अधिकरण में पर ऊपर, इस तरीके के आपके ये कारक होते हैं, तो इसमें के लिए आ रहा है, यानी कि संप्रदान, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, कलिंदी कुल कदम की डायन में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार पूछा गया है, उत्पेक्षा, संभावना, चमक या फिर अनुप्रास। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार वो चीज रिपीट होती है, ठीक है, बार बार वो चीज रिपीट होती है, तो उसका मतलब है उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, यज्ञ आदि अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना हुई थी, पुराण, वेद, निरुक्त या फिर किसी अन्य की। तो देखिए यज्ञ है, अनुष्ठान है, मंत्रों से रिलेटेड जिस भी चीज की अगर हम बात करें वो सारे के सारे किस में आते हैं, वेदास में आते हैं, वेदों में आते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। वेद मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान मंत्र आदि की बात की गई है, सामवेद आपका संगीत से जुड़ा है, अथर्ववेद जो है वो जादू टोने से जुड़ा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से चार वेद हैं और इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य, भाषा, शब्द या फिर लिपि। उद्देश्य और विधेय, विधेय ये किसमें यूज किए जाते हैं, मोस्टली वाक्य में यूज किए जाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाक्य जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तालाब का पर्यायवाची शब्द की बात की गई है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पुष्प, नाला, झरना या फिर पुष्कर। तो तालाब के लिए मोस्टली जो है वो पुष्कर को जो है यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जिन भी बच्चों ने अभी HRTC का एग्जाम जो है वो देना है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। 2009 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूं, उसके 2009 के बाद आपका जो 2013 का क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। 2013 के बाद 2014 का है, 2015 का है, 17 का है, 19 का है, तो ये जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर, सॉरी 19 का नहीं, 2020 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है, लगभग 5-6 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको इसी हफ्ते जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप हमारी क्लास के साथ बने रहें, इसकी कंप्लीट PDF जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पे इसका वीडियो लिंक और साथ में इसकी PDF जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एक मंथ का मात्र 200 रुपये जो है इसकी फीस रखी गई है, इस 200 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डिफरेंट क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी,
आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, डेली आपका हिमाचल जी के मैथ क्विज रहने वाला है, साथ में एचआरटीसी की जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उनके स्कीमों से रिलेटेड, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको जो है वो 10 प्लस मोक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो 10 मोक भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ में एचआरटीसी 2009 का जो आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद 2009 से लेके आपके 2020 तक ये पेपर आपको सारे देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट पैकेज आपका 200 रुपए का जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस उत्तर कौन सा है, ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, त के ऊपर एक मात्रा लगती है क्योंकि ये डबल त होता है, इस तरीके से हम उत्तर को लिखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अयोग बाह वर्ण है, अयोग बाह वर्ण किसके किसे बोला जाता है, तो अ और अंग को, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए 14 का जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, क्वेश्चन 15 देखिए, सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था क्या है, सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था क्या है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था, थोड़ी सी टाइपिंग एरर यहाँ पे रही है, ये इसको आप हटा दीजिए। तो सुंदर का क्या होता है, सुंदरम है कौन सा, सुंदरतम, हाँ ऑप्शन बी इसको हम मान के चले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विशेषण आप सभी जानते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है, जैसे कि मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास, तो यानी कि उसकी वो विशेषता को दर्शा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, घुंघर धीरे धीरे चलने लगा, मैं धीरे धीरे क्या है, ये जो इस वाक्य में धीरे धीरे है ये क्या है, आपका क्रिया विशेषण है, विकारी शब्द है, क्रिया है या फिर कारक है, तो देखिए क्रिया के ऊपर जो है वो एक विशेषण लगा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि वो आदमी घुंघर जो है वो चलता तो है लेकिन उसमें क्रिया हो रही है, यानी कि क्रिया का मतलब होता है कार्य हो रहा है, हाँ चल रहा है, ऑप्शन सी को हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में भी क्रिया है, ऑप्शन सी में भी क्रिया, ठीक है, ऑप्शन ए सी दोनों ठीक है, लेकिन बात क्या बोली गई है, धीरे धीरे, यानी कि वो तेज तेज नहीं चल रहा, ना नॉर्मल चल रहा, वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि उसकी वो विशेषता को बता रहा है, तो ऑप्शन ए को हम एक्यूरेट मानेंगे, क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि कर्त व्यय विमूढ़ का अर्थ क्या है, कि कर्त व्यय विमूढ़ का अर्थ क्या है, हमेशा बुरे मार्ग पर चलने वाला, ठीक से कर्तव्य पालन करने वाला, किसी धर्म में शामिल करने की विधि, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना करे। तो जैसे इंग्लिश में आपका एक कोई वर्ड होता है उसको हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम बताते हैं, जैसे कि मुहावरा होता है, तो उसी तरीके से एक शब्द का जो है वो यहाँ पे आपसे एक मीनिंग जो है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे बताया गया है इसका जो अर्थ है वो है हमेशा बुरे मार्ग पर चलने वाला, जो यानी कि बुरी संगति में पड़ा हो, बुरे मार्ग पर चले, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गधा मनुष्य की मदद करता है, इसमें संज्ञा बतानी, कौन सी संज्ञा है, पशुवाचक, तो देखिए पशुवाचक तो कोई भी संज्ञा होती नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर संबंधवाचक, कौन सी संज्ञा है, यानी कि मदद करता है, गधा मनुष्य की मदद करता है, तो इसमें जाति की बात की गई है, देखिए संबंध की बात तो नहीं है, इसमें जाति की बात की गई है, यानी कि एक जानवर की जाति की उसकी बात की गई है, जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो ऑप्शन सी को हम क्या मान के चलेंगे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास है, सॉरी किसे कहते नहीं, द्वंद्व, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है, ऑप्शन दिए गए हैं पुरुषोत्तम, माता पिता, चंद्रमुख या फिर अन्याय, तो देखिए द्वंद्व समास का मतलब है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और बीच में या तो या लगा होता है, ठीक है, और या अथवा, ठीक है, इस तरीके के पद जो है वो लगाए जाते हैं लेकिन वो लुप्त हो जाते हैं, उसके लिए योज्य प्रतिलोम पद लगाया जाता है जिसको हम ये एरो कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है माता पिता, इनको माता और पिता के नाम से बोला जाता है, तो ये द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्म प्रशंसा का विलोम क्या है, आत्म प्रशंसा यानी कि आत्म प्रशंसा का मतलब क्या है, खुद की ही प्रशंसा करना, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका विलोम शब्द होता है आत्म श्लाघा, ऑप्शन ए, कुछ इस तरीके के ही हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी पेपर आपका नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसके द्वारा पेपर कंडक्ट आपका कराया जाएगा, शिमला बोर्ड, HPPSC, और अगर अभी तक आपने HPPSC का कोई पेपर नहीं देखा है तो बिल्कुल अप लेवल का पेपर आपका रहने वाला है, ये चीज आप ध्यान में लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौमुदी शब्द किसका समानार्थी है, कौमुदी का मतलब है चांदनी, चांदनी यानी कि ठंडक, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हिंदी के सेक्शन के आपके जो है वो टोटल 21 क्वेश्चन जो थे वो आपके पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इंग्लिश के सेक्शन को कवर करेंगे, तो 22 क्वेश्चन से जो है वो इंग्लिश का सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था, इसमें आपको पूछा गया है चूज द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि एक स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो यहाँ पे बताई गई है, तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक किसमें है,
तो इसका जो राइट आंसर है डिस्टेंस, बिल्कुल सही। ऑडियंस ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक लिखा है, डिपेंडेंस है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए, तो क्वेश्चन 23 में आपको बताना था कौन सा इसमें मिस्टेक थी। तो देखिए यहाँ पे जो था वो रिलाइव जो है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसकी स्पेलिंग जो थी वो गलत थी। उसके बाद 24 की बात करें, 24 में देखिए तो स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। उसकी जो स्पेलिंग होती है SPEECH, EECH होता है। तो ऑप्शन सी जो था वो इसमें गलत था। उसके बाद 25 की अगर बात करें तो प्लेग, ओपेक, कैटलॉग एंड फटीक। फटीक का मतलब होता है थकान। तो ओपेक की स्पेलिंग गलत थी। ओपेक का मतलब होता है कि अपारदर्शी, जहां से स्पष्ट रूप से ना दिखाई देता हो। तो ओपेक की स्पेलिंग होती है OPACQUE। ये ओपेक की, CQUE, जस्ट सेकंड, ओपेक नहीं, ये स्पेलिंग में गलती है, ओपेक यानी कि अपारदर्शी। OPAQUE होती है, सॉरी यहां पे सी नहीं आएगा, यहां पे सी दिया था तो ये सी नहीं आएगा, OPAQUE, ओपेक, ठीक है, यानी कि अपारदर्शी। उसके बाद 26 था, 26th में जो था वो प्रो हिबिटेड, तो ऑप्शन सी यानी कि निदेश, निषेध जहां पे हो, प्रोहिबिटेड हम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो था वो इसका राइट आंसर था, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 27 में देखिए, आपको बोला गया क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना था, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पे आपको हिंदी में भी जो है वो हिंट जो था वो दिया गया था, काफी अच्छी बात यहाँ पे रखी गई थी उस एग्जाम में। देखिए 27 में एफुलेंस की बात की गई, यानी कि समृद्धि, और समृद्धि का मतलब होता है सुख, धन, धन धान्य, समृद्धि। तो यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था वेल्थ, वेल्थ यानी कि धन, धन यानी कि धन समृद्धि। तो इसके साथ हल्का सा क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ऑप्शन बी इसका जो था वो राइट आंसर था। क्वेश्चन 28 में था रिवरेंस यानी कि श्रद्धा। तो श्रद्धा का मतलब क्या होता है, यानी कि हम जब किसी को क्या करते हैं, किसी के सामने नमस्ते करते हैं, यानी कि अपनी श्रद्धा है, ठीक है, यानी कि किसी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए जो था वो इसका राइट आंसर था। उसके बाद था एम्पावर यानी कि सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा, जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग था सशक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग। तो इसका ऑप्शन सी जो था वो बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद 30 क्वेश्चन में आपको बोला गया था अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, यानी कि डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो अनिश्चित की बात की गई थी, तो वेग यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद था रिफाइन यानी कि प्रतिशोधित करना, रिफाइन करना यानी कि प्रतिशोधित करना, बिल्कुल ताल ताल के किसी चीज को हम जैसे छांटते हैं ना, उसको बोलते हैं रिफाइन करना। तो रिफाइन का मतलब होगा कि बिल्कुल साफ सुथरा। इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल दूषित, बिल्कुल खराब, कंटेनमेंटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। उसके बाद 32 इमेंटेड यानी कि प्रख्यात, जो काफी ज्यादा फैला गया हो, काफी फैला हो, काफी दुनिया में उसका जो है वो नाम हो, तो उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, अननोन यानी कि जिसको कोई जानता ना हो। प्रख्यात का मतलब होता है जिसको सभी जानते हो, और अननोन का मतलब अज्ञान या फिर अनजान, जिसको कोई ना जानता हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। 33 में था रेगुलर यानी कि नियमित, जो डेली बेसिस पे कोई काम करता है उसको रेगुलर बोला जाता है, और जो कभी कभी यानी कि या फिर कहीं कहीं पे जब बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी स्पोरडिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 में आपको बोला गया, फोर अल्टरनेट आपको दिए गए थे, तो इनमें से आपको कोई एक करेक्ट आंसर चूज करना था। ये आपके एरर से रिलेटेड हो सकता है, आपके आर्टिकल से रिलेटेड, नाउन प्रनाउन, ये किसी भी चीज से रिलेटेड आपका हो सकता है। तो सबसे पहले 34 में बोला गया था द क्रॉप्स आर डैमेज्ड बैडली एज देयर वॉज डैश रेन दिस ईयर। तो अब देखिए रेन की बात की गई है, तो रेन जो है वो किसमें काउंट की जाएगी, लिटल फ्यू अ लिटल, पानी की बात की जा रही है, तो लिटल जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इट इज 9 o'clock डैश माई वॉच। अब मेरी घड़ी में जो है वो 9 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, इन माई वॉच आएगा, एट माई वॉच, एट तो प्लेस के लिए आता है, तो बाय माई वॉच, ऑप्शन बी आएगा यहां पर, ऑप्शन बी बाय माई वॉच। 36 है चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब आपको बतानी है बात की, तो बात की क्या होती है, वर्ब बात ही होती है, लेकिन स्पेलिंग में BATHE, ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। 37 में चूज द करेक्ट वर्ड फॉर
रूल ऑफ वन मैन, यहां पे मैं हल्का से इसको जूम कर लेता हूं, हाँ, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर रूल ऑफ वन मैन. तो आपको एक करेक्ट वर्ड आपको बताना था, रूल ऑफ वन मैन, जो अपने रूल को ही मानता हो, उसके अपने पर्सनल रूल हो और उनको वो फॉलो करता हो. तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 38 में तो हिंदी का जो आपका सेक्शन था उसमें काफी अच्छी बात रखी गई थी कि आपको सॉरी इंग्लिश का जो आपका सेक्शन था उसमें हिंदी का भी आपको मीनिंग जो था वो दिया गया था. देखिए आपको करेक्ट ट्रांसलेशन बतानी है, पहले अपना फिर पराया. तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसको जो है वो क्या क्या कहते हैं, ब्लड इज थिकर देन वॉटर. ऑप्शन सी जो था वो राइट आंसर था. इसके लिए करेक्ट ट्रांसलेशन जो है वो यही आती है, ब्लड इज थिकर देन वॉटर. ठीक है, पहले अपना और उसके बाद पराया. उसके 39 की बात करते हैं, ब्लैक शिप 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 मीन्स, हाँ तो देखिए आपको मीनिंग बताना था, इसका क्या राइट आंसर है, ए पर्सन ऑफ बैड रेपुटेशन. तो ऑप्शन डी जो था वो इसका राइट आंसर रहेगा. क्वेश्चन 40, अपोजिट जेंडर ऑफ स्पिंटर. तो स्पिंटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैचलर. अपोजिट आपको बताना था, तो बैचलर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था. ये बिल्कुल जर्नल से आपके क्वेश्चन है. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ होट की बतानी थी, होटर ये आपको पता है, होट टेस्ट. ठीक है, तो ये सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बतानी थी, तो होटर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. पास्ट परफेक्ट ऑफ टेक इज, टेक का क्या पास्ट परफेक्ट आएगा, तो हैड टेकन आता है, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर रहेगा. ग्लूटेन का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा खाता है, हु ईट्स टू मच, यानी कि ऑप्शन इज जो ज्यादा खाता है उसको ग्लूटेन कहा जाता है. लैक ऑफ इनफ ब्लड कॉजेज पेलनेसनेस इज, तो उसको क्या कहते हैं, अगर खून की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है. ये इंग्लिश में आपसे पूछा गया, लेकिन एक्चुअल में ये जर्नल साइंस का आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 45 है, विच इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट था आपको बताना था. सो इसका जो राइट आंसर था वो ही वॉज पिक्ड अप डेड ड्रंकन, ही वॉज पिक्ड अप डेड ड्रंकन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था. ये आप इसको देख सकते हैं, देखने से ही आपका ये डायरेक्ट पता चल जा रहा है, क्योंकि 2009 का आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इजी आया था. उसके बाद 46 की अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या कहा गया था, करेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है. ही सेड टू राम, डू यू नॉट नो हिम, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ही आस्क्ड राम. देखिए तो ये आपको बताना है, सभी में ही आस्क ड्राम है. उसके बाद आएगा whether he did not know him, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा. उसके बाद जीके के सेक्शन की अगर हम बात करें, 47 क्वेश्चन से आपका जीके जो था वो स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल अच्छे लेवल का जीके, बिल्कुल इजी लेवल. अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल इजी लेवल का आपका जीके जो था वो पूछा गया था. और आपका करंट अफेयर, कहीं पर भी कोई करंट अफेयर का ज्यादा डिस्कशन नहीं थी, लेकिन अगर HPPSC का अगर आपका एग्जाम है अभी प्रेजेंट में दिसंबर में, तो उसमें आपका जो है वो करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाएगा. 47 क्वेश्चन को आप देखिए, चिल्का झील कहां पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा. उसके बाद पोत निर्माण उद्योग कहां पर है, जहां पे पोतों का निर्माण किया जाता है जहाज का, तो यानी कि कोचीन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. इसको कोची भी कहा जाता है, कोचीन को ही कोची कहा जाता है. और लक्षद्वीप सागर की दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो आपको ध्यान में रखना है कोची कहां पर है, लक्षद्वीप में है. ठीक है, उसकी राजधानी है. कंचनजंगा किसका नाम है, तो कंचनजंगा जो है एक चोटी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा. और ये कंचनजंगा विश्व की सबसे तीसरी ऊंचाई पर रहने वाली ये चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल पर ये स्थित है, और 28,28169 मीटर जो है इसकी हाइट है. और आज ये भारत की जो है वो सबसे बड़ी चोटी है, क्योंकि पहले K2 नाम से जाना जाता था, जो K2 है उसको जो है वो गोडविन आस्टिन से नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो अभी वर्तमान में कहां पर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए उसको भारत में अब कंसीडर नहीं किया जाता. अगर 2019 या 20 की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी चोटी जो थी वो K2 थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है, जो कि कहां पर है, सिक्किम में है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन 50 है, मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है. तो मौलिक अधिकार
को प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण के लिए जो है वो किसका अधिकार है, तो वो न्यायपालिका उसको जो है अधिकार प्राप्त करती है। अगर कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर जो है वो उल्लंघन हो रहा है तो हम कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, न्यायपालिका जो है वो उसका हमें उत्तर जो है वो देगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो किससे संबंधित था। देखिए संविधान का 73वां संशोधन जो है ये संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज से जो है ये संबंधित है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में जो थी वो स्टार्ट की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 73वां संशोधन हुआ था पंचायती राज से। नेक्स्ट, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। देखिए 2001 की बात की जा रही है, अब जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा 2011 के अकॉर्डिंग, तो उस समय जो थी वो 60.77 लाख के आसपास थी। ऑप्शन बी को हम जो है वो बिल्कुल सही यहां पर मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, स्पीति किसकी उपनदी है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, सतलुज, राबी, ब्यास और चिनाब। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन ए, सतलुज। स्पीति जो है वो किसकी उपनदी है, सतलुज की एक जो है वो सहायक नदी है, सतलुज की एक सहायक नदी है। सतलुज नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर के निकट जो है वो राक्षसताल झील से जो है वो होता है, और ये जो है वो हिमाचल में किन्नौर जिले के शिवकिला दर्रे से जो है ये प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह स्थान जहां चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कहा जाता है तांदी। तांदी के नाम से हम जानते हैं एक जगह है जहां पर चंद्रा और भागा दोनों की दोनों नदियां जो है वो मिलती हैं, उसको कहा जाता है तांदी के नाम से, या फिर तांदी के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें हमसे पूछा गया मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, जनरल साइंस का ये पूछा गया था, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जो है उसको हम जानते हैं टांग की हड्डी, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, हम जिसको बोलते हैं टांग की हड्डी बोल सकते हैं, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी जो है वो होती है कान की हड्डी, जिसको स्टेपिस के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ऑटोग्राफ, बायोग्राफ या फिर कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल इजी है, रिएक्टर स्केल या फिर ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 57, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। तो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और जनगणमन जो है हमारा राष्ट्रगान जो है जनगणमन, वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जनगणमन को गाने के लिए टोटल जो है वो 52 सेकंड का समय लगता है, और वंदे मातरम को गाने के लिए जो है वो टोटल 65 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम 1 मिनट 5 सेकंड के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मियां चूचू कौन थे। शिमला के महापौर, सिरमौर के जनविद्रोह नेता, मंडी रियासत के दरबारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 क्वेश्चन काफी अच्छा है, मियां चूचू कौन थे। तो ये सिरमौर के जन विद्रोह के क्या थे, नेता थे। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, 2008 ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या था। 2008 ओलंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण प्राप्त किया था और इनका नाम था अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है निशानेबाजी में जो है वो भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो जिताया था, और ये व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज भारतीय, पहले भारतीय जो थे वो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, लक्ष्मी मित्तल का संबंध मूलतः कौन से उद्योग से है। तो लक्ष्मी मित्तल का संबंध किस उद्योग से है, कपड़ा, चीनी, दूरसंचार या फिर इस्पात। तो उनका संबंध जो है वो, लक्ष्मी मित्तल जो है वो लंदन में भारतीय मूल के एक उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था, और मुख्यतः ये इस्पात उद्योग से जुड़े हैं, यानी कि लोहे से रिलेटेड स्टील उद्योग जिसको हम कहते हैं, उनसे जो है ये उस फैक्ट्री के साथ ही जुड़े हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा युग्म बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है, बंगाल, साइमन कमीशन, लखनऊ या फिर असहयोग आंदोलन। बंगाल विभाजन की बात 1905 में की गई थी, तो यहाँ पर युग्म बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही की बात की जा रही है। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में ही हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपसे बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एचआरटीसी यानी कि हिमाचल
पथ परिवहन निगम जिसको हम कहते हैं हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1972, 74, 76 या फिर 1977 में। एक ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा जिससे आप इजिली इसको जो है वो याद रख सकते हैं। 1974 में जो है वो इसकी क्या हुई थी, 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। याद आपको कैसे रखना है, एच से याद रखना है, एच यानी कि एचआरटीसी। जब आप एच बनाएंगे तो इस तरीके से एच आप बनाते हैं, है ना, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस लाइन को नीचे पूरा नहीं लेके जाऊंगा। देखिए क्या बना, चार बना, यानी कि चार 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, गांधी जयंती के दिन, ईजिली याद हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की जो है वो स्थापना हुई थी। वर्तमान में एचआरटीसी के मंत्री कौन है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो हिमाचल के जो पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री जी, वो ही वर्तमान में हिमाचल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। एचआरटीसी डिपार्टमेंट जो है उन्हीं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, हिमाचल प्रदेश के निशानेबाज का नाम बताऊं जिन्हें 2006 दोहा एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टोटल मेडल जो है वो जीते थे, विजय कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार या फिर शमशेर जंग। क्या उनका नाम था, इनका नाम था विजय कुमार, और पहले हिमाचली हैं जिनको एशियाई खेलों में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो मिला था। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विजय कुमार जी जो है वो हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 2007 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पहले ऐसे हिमाचली हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में जो है वो रजत पदक जीता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे हिमाचल के जीके के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64 है इंपॉर्टेंट, और आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। बिहू जो है वो डायरेक्ट आपका किससे रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। बिहू जो है असम का मुख्य त्यौहार जो है वो माना जाता है, नई फसल के आने पर इसको जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट 65 है, कौन सा शेष से हटकर है, इनमें से कौन सा शेष से हटकर है, मतलब आपको ओड वन आउट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कौन सा चार ऑप्शन में से बिल्कुल अलग है, अकबर, तानसेन, बेरू बाबरा या फिर रामदास। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है अकबर। अब अकबर यहाँ पे राइट आंसर क्यों आएगा, क्योंकि अकबर जो थे वो एक मुगल शासक थे, और रामदास, बाबरा और तानसेन ये तीनों जो थे वो क्या थे, कवि थे, संगीतकार थे और कवि थे, लेकिन अकबर जो था वो एक शासक था, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी जानते हैं गोल्डन टेंपल, विश्व विख्यात टेंपल है, कहाँ पर है ये हमारा अमृतसर में है, पंजाब अमृतसर में है ये, और इसका जो है वो निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास जी के द्वारा जो है वो इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको हर मंदिर साहिब के नाम से भी हम जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल इजी है, शिल्ला जो है राइट आंसर है, 7026 मीटर या 25 मीटर के आसपास मानी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिल्ला है कहाँ पे, किन्नौर में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भंडार नाइके जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है आर्मी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, और एसके की किताब में मोस्टली आपका एग्जाम, ये आपका क्वेश्चन रहता है भंडार नाइका, और श्री मावू भंडार नाइका इनके इनका पूरा नाम था। फर्स्टली ये जो है वो श्रीलंका की जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री रही थी, और पूरे विश्व की भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। 1960 में जो है ये प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है 69, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, किस संशोधन में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम RTE के नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन 21A में जो है वो रखा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने की जो है वो प्रावधान रखा गया है हमारी भारत की सरकार के द्वारा, और ये पूरे भारतवर्ष में जो है वो लागू हुआ था, और ये 86th संशोधन में जो है उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था, तो इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाड़ क्षेत्र से जो है वो बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, और ये सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 हमारा रहेगा, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किसी कंटोच वंशी के राजा ने कौरवों की ओर से भाग लिया था, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुशर्मा चंद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। जो कांगड़ा के महान शासक थे त्रिगत या फिर कांगड़ा किले की स्थापना के बारे में हम उनको जानते हैं सुशर्मा चंद, तो उन्होंने जो है वो अर्जुन से जो है वो युद्ध किया था, यानी कि कौरवों की तरफ से उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट है कुट क्या है, कुट आपने सुना होगा, तो कुट है क्या,
कुछ जो है वो एक जड़ी बूटी है जिसका दवाइयों में उपयोग किया जाता है, और अगर खांसी जुकाम जैसी अगर कोई बीमारी हो तो कुठ का जो है वो ज्यादातर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, डूरेंट कप किस खेल से संबंध रखता है? डूरेंट कप जो है किस खेल से संबंध रखता है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या फिर टेनिस? डूरेंट कप जो है विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता में से मानी जाती है। 1888 में जो है उसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है वो फुटबॉल से जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये हमारा स्थित है, हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 1984 में इसको बनाया गया था, 1984 में जो है इसे बनाया गया था, और उसके बाद 1999 में इसको जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो घोषित किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है, टोटल हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है 75, कुफरी ज्योति जो है वो किस फसल की एक मुख्य किस्म है? सेब, आलू, गेहूं या फिर चावल? तो कुफरी ज्योति जो है वो आलू की एक मुख्य किस्म है, और मुख्यतः ये जो है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन ये शिमला में जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो हमने जीके के सेक्शन को कवर कर लिया, नेक्स्ट जो है वो मैथ के सेक्शन को कवर करेंगे 76 से लेके 100। तो मैथ के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा इसमें, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 था, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक कार की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है 12 सेकंड में, ये कितनी दूरी तय करती है? तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, हम सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। हमें क्या बोला है, कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम बन जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बन गया, स्पीड हमारे पास दी गई थी 75, इसको ये किलोमीटर में है तो हमें इसको मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा करते हैं, और समय कितना दिया है, 12 दिया है। इस सभी को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, 6 से 3 बार कटेगा, 6 से 18, 6 दूने 12, 3 से 75 कटेगा कितनी बार, 25 बार, 25 दूने 50, और 50 को 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, यानी कि 250 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, एक छाता, एक बैग, दो घड़ियां को मिलाकर कुल कीमत जो है वो 20-80 बनती है। एक छाता, एक बैग की कुल लागत जो है वो 590 है, तो एक घड़ी का मूल्य आपको बताना है। देखिए एक छाता ले लिया, ठीक है, मैंने यू से लिखा अम्ब्रेला, एक बैग ले लिया बी आ गया, और दो घड़ियां, ठीक है टू, और घड़ियों को मैं क्या लिखता हूँ, वॉच लिखता हूँ, ठीक है डब्ल्यू लिख लिया, ठीक है अम्ब्रेला, बैग और वॉच, इन सभी की कीमत कितनी है, 20-80 है। अब क्वेश्चन में एक छाता और एक बैग की कीमत, यानी कि अम्ब्रेला और बैग, इनकी कीमत दी गई है कितना है, 590 है। इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको इक्वेशन टू ले लीजिए। अब इक्वेशन टू का मान जो है वो एक में आप क्या करेंगे, भर देंगे, अम्ब्रेला प्लस बैग कितना दिया है, 590 दिया है, प्लस टू वॉच किसके इक्वल आ जाएगा, 20-80 के बराबर आ जाएगा। 590 उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20-80 में से 590 चले गए तो आपके पास बचा 1490। अब ये 2 से 1490 कट जाएगा तो एक घड़ी की कीमत आपके पास कितनी आ जाएगी, 745। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, जो कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम कर दिया गया। देखिए जब भी हम ऐसे अगर डायरेक्ट सोचें कि जैसे मेरा वेतन कितना है, 10,000 है, ठीक है, जैसे कि मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 है, अगर मेरी सैलरी में आज 10% बढ़ाया गया, ठीक है 10% बढ़ाया गया, और कल 10% क्या कर दिया, पहले बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया गया, तो मेरा वेतन कितना रहेगा, क्या मेरा वेतन 10,000 ही रहेगा? नहीं, सुनने में तो ऐसा लगता है कि पहले 10 बढ़ाया फिर उसी की ही कमी कर दी, तो इसका मतलब वैल्यू तो वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब गणित की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, उसका लॉजिक आपको जो है वो समझना है। जब भी वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आप करेंगे। 100% के ऊपर हमेशा बढ़ोतरी या फिर कमी की जाती है, 10% बढ़ाया, 100 पर 10% बढ़ाया यानी कि 110 पे पहुंचे,
गुणा करेंगे 10 की कमी कर दी, 100 से 10 की कमी कर दी तो 90 आ गया, और भाग करेंगे 100 से। ये सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, 20 से आपकी 20 कैंसिल आउट होगी, 11 को 9 से करेंगे कितना आ गया 99। अब इसको 100 से कंपेयर करना है, क्या 100 से कम है? हाँ कम है, 99 क्या है? 100 से कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मूलधन आपके पास दिया है 3000, रेट आपके पास 5% और टाइम दिया है 2 साल। आपको साधारण ब्याज बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला एसआई का आप सभी जानते हैं, पीआरटी बाय 100 होता है। प्रिंसिपल आपके पास है 3000, रेट दिया है 5%, टाइम है 2 साल, और भाग कर देंगे किससे? 100 से। 20 से आपकी 20 कट गई, 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 30 से किया तो आंसर कितना आ गया? 300। और 300 कौन सा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 81 क्यों सॉल्व करेंगे? देखिए 81 में आपको बोला है कि एक बस 8 घंटे में 448 किलोमीटर चलती है और दूसरी बस 12 घंटे में 504 किलोमीटर चलती है। अब उनकी चालों को अनुपात में आपको बताना है। चालों को किस में बताना है? अनुपात में बताना है। तो देखिए करेंगे कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगेगा। ये डिस्टेंस ओवर टाइम पहली के लिए अनुपात लगा दिया, डिस्टेंस ओवर टाइम दूसरी के लिए। पहले में डिस्टेंस कितना है? 448 और टाइम है 8 घंटे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 504 है और टाइम कितना है? 12 घंटे। ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, 8 के पहाड़े से कट के आपके पास आएगा, आपके 8 के पहाड़े से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 4 और 8 ये 6, 56 आ गया, और 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 2 और 4 12 दुने 24, ठीक है। 14 के पहाड़े से कट जाएगा, 14 चौके 56 और 14 त्या 42, ठीक है। तो 4:3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 4:3 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 का स्क्वायर करेंगे। 82 क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 16 का स्क्वायर हमें करना है। 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 256 होता है। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना? 225, और बटे में कितना? 31/2। अब 256 में से 225 चलेंगे तो बचे कितने? 31, नीचे कितना? 31/2, तो 2 कहां जाएगा? ऊपर, 31 से 31 कटे, आंसर कितना आ गया? सिर्फ 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोलर के पहिए की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा चक्कर, एक चक्कर में किए जाने वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सेंटीमीटर में हमें परिधि दी गई है, तो देखिए परिधि का जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr, यानी कि 2πr की वैल्यू कितनी है वो आपके पास दी गई है 44, यानी कि सर्कमफ्रांस या फिर परिधि आपके पास दी है। आपने फॉर्मूला लगाया, आर का मान आप यहाँ से निकालेंगे, 44 दो नीचे जाएगा, पाई का मान भरेंगे 22 × 7, 2 × 22 = 44 कट गया। आर का मान यानी कि रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना? 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा? ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इजी क्वेश्चन जो थे वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्ध गोलाकार कटोरी में कितना दूध आ सकता है? देखिए जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, एक कटोरी है अर्ध गोलाकार, ठीक है, ये कटोरी है। अब इसमें कितना दूध आ सकता है, यानी कि ये इसके क्षेत्रफल की बात नहीं की गई है, इसके वॉल्यूम की बात की गई है। जब भी किसी के अंदर कोई सामान डालना है तो उसकी गहराई, वॉल्यूम, आयतन की बात करते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, और अर्ध गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब। अब देखिए रेडियस आप गलती से 7 नहीं भरेंगे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? उसका आधा। तो 3 बार हम कर देंगे इसको आधा, 7/2, 7/2, 7/2, इन सभी को हम कट करेंगे और आपके पास आंसर जो निकल के आएगा 89.83 जो है वो आपके पास आंसर निकल के आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, यानी कि उसके अंदर इतना क्यूबिक जो है वो दूध जो है उस कटोरी में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एक सीढ़ी को 30 डिग्री पर दीवार से लगाकर 10 मीटर ऊंची खिड़की से जलते हुए घर को बचाना है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का 9th चैप्टर का 9.1 का ये आपका क्वेश्चन है। एक सीढ़ी को 30 डिग्री दीवार पर लगाया गया, ठीक है जी, ये आ गई दीवार, ठीक है। अब सीढ़ी जो लगेगी वो हमेशा ऐसे लगेगी, ठीक है, हमने सीढ़ी को लगा दिया, ये आ गई जमीन, ठीक है। अब सीढ़ी से लगाया, दीवार को लगाया कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 10 मीटर ऊंची खिड़की है, यानी कि ये चीज़ हमें दी गई है, 10 मीटर है। हमें क्या बताना है? सीढ़ी की लंबाई, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो बताना है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये आपको पता है, पी वाई एच होता है। साइन 30 डिग्री आप वैल्यू भरेंगे,
साइन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, पी, पी कितना है 10 और एच आपको निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर है 10 बटा एच। एच का मान आप जब निकालेंगे तो 2 आपका कहाँ जाएगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 मीटर जो है वो आपकी क्या होगी, ये जो सीढ़ी है उसकी लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी जो है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला। क्लास 10th में स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का जो है वो 14वां चैप्टर है, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई थिंक ऑप्शन सी ही है जहां तक मुझे पता है। हाँ ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 87th क्वेश्चन है, बर्फ की कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, 125 रुपये के हिसाब से फर्श बिछाने की लागत क्या आएगी। देखिए आयत बनाइए, लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, 15 गुना 12 कर देंगे कितना आ गया 180, ठीक है, 15 गुना 12 180 हो गया। अब एक का प्राइस कितना है, 125 है, ठीक है, तो हमें 180 का निकालना, तो 180 को 125 से गुणा कर देंगे, वो आपके पास राइट आंसर आएगा। गुणा करने पे कितना आएगा, 22,500। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर नहीं, ऑप्शन बी नहीं, 22,500 ऑप्शन ए। सर यहाँ पे भी देखिए कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आपने आंसर चाहे ठीक निकाला हो, लेकिन अगर ऑप्शन आपने गलत टिक कर दिया तो फिर आंसर आपका गलत होने का चांस है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तो पहला फॉर्मूला हिट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो एक्स या वाई का फॉर्मूला हो सकता है। दो संख्याएं हैं, एक एक्स स्क्वायर बना, दोनों का अंतर है 22 स्क्वायर, कितना अंतर है 180 आ जाएगा। अब छोटी संख्या आपने क्या ले ली, वाई ले ली, उसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या यानी कि एक्स का कितना है 8 गुना, तो 8x बन गया। अब 22 स्क्वायर का मान आप यहाँ पे भर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 180 बना, 180 को इस तरफ ले आए माइनस में हो गया इक्वल टू 0। अब इसको एस और सम और प्रोडक्ट SPK मेथड से आप ब्रेक कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 10x माइनस के 180 बराबर है 0। एक वैल्यू आएगी x माइनस 18 और दूसरी आएगी x प्लस 10, तो ये दो वैल्यूज आएंगी, एक से आएगा x की वैल्यू 18 और एक से आएगा माइनस 10, तो माइनस 10 को निगलेक्ट करेंगे, एक वैल्यू आ गई 18 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए है। आप 22 स्क्वायर में वैल्यू को भरिए, आपके पास y का मान कितना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप आंसर निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल का भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। 89 को देखिए, यदि किसी बेलन को काटा जाए उसका क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ध्यान में रखना है आयत के बराबर होता है, यानी कि जो बेलन है यानी कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरीके से उसको हम करते हैं, अगर हमारे पास कोई ये कागज है, जैसे कि ये कागज है ना, ठीक है, अगर मैं इसको रोल कर देता हूँ ठीक है, तो वो किस शेप में आ जाएगा, सिलेंडर की शेप में आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है, बेलन को यदि काटा जाए तो वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी संख्या के 3 गुणा कर उसमें से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है, ठीक है, कोई संख्या है x है उसका 3 गुणा कर दिए 3x, उसमें से 5 कम कर दिए -5, तो कितना मिला 10 मिला, 3x का मान कितना जाएगा, ये -5 उस तरफ जाएगा, 10 प्लस 5 15, तो 3 से 15 कट गए, x का मान कितना गया 5, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रहेगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि पानी और चीनी का मिश्रण का कुल अनुपात, देखिए 15:2 है, ठीक है, 15:2 आ गया, और मिश्रण का कुल भाग कितना है, कुल भार 170 ml है, तो पानी का भार बताइए। देखिए अनुपात से 15:2 है, लेकिन जब टोटल करूंगा 15:2 तो कितना बना, 17 बना, मेरे अकॉर्डिंग 17 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 170 है, तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 10, इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये 150, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 20, तो पानी 150 और चीनी कितनी 20। अब पानी का पूछा था तो पानी का कितना आ गया, 150 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है रहेगा। उसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो बराबर है यानी कि इक्वल आता है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल हिट हो जाएगा 4/7, क्या 60/105 से 4/7 आता नहीं आता, 15 × 60 15 × 7 105, ठीक है, 4/7 देखिए बन रहा ना, ठीक है, यानी कि कटिंग करके आपके पास वही चीज आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए 27 का 3 कब बन सकता है, 9 × 3 = 27 बन गया, लेकिन 9 के पहाड़े से 21 जब कटेंगे तो 7 कभी नहीं आएगा, यानी कि इस फ्रैक्शन को मैं 3/7 नहीं लिख सकता, लेकिन 60/105 को मैं 4/7 लिख सकता हूं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण का एक हल जो है वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक थी, तो क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। आपके पास है एन स्क्वायर प्लस के 2n माइनस के 3 बराबर है 0, एन स्क्वायर एज इट इज लिखा, ये आपका हो जाएगा प्लस के 3n
माइनस का एक एन माइनस के तीन बराबर है जीरो, तो इसको हमने क्या कॉमन ले लिया, एन प्लस तीन आ गया अंदर और माइनस के एक एन प्लस तीन, तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, एन प्लस तीन बना, एन प्लस तीन बना और एक आपके पास एन माइनस एक बना, तो एन का मान एक तो आ गया माइनस तीन और यहाँ से आ गया एन का मान एक, तो माइनस तीन और एक दोनों ही आंसर आपके जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये दोनों आपके ठीक हैं, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक थी, तो इसका एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 94 से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया उसमें से एक क्वेश्चन हमारा मैथ के सेक्शन का गलत था, एक किसी अनदर सेक्शन का गलत था, इंग्लिश का एक क्वेश्चन हमारा गलत था। तो देखिए क्वेश्चन डालने का मेन मोटिव है, गलत होने का मेन मोटिव क्या है कि आपके जब दो क्वेश्चन गलत हैं आपको प्लस में दो मार्क्स वो मिलेंगे, दो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो एग्जामिनर ने डाले क्यों हैं, वो एग्जामिनर ने डाले हैं आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है, मैं 30 सेकंड में मैं इसको हिट कर सकता हूँ, जब मेरे आंसर दो निकल के आए, यहाँ पे अगर एक माइनस एक होता तो मैं डायरेक्ट हिट करता कि माइनस तीन जो है वो मेरा आंसर है, लेकिन एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां पर है, अगर क्वेश्चन गलत हो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, अगले क्वेश्चन को हिट करें। तो उस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन में आजकल ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत आपसे पूछे जा रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है वो एग्जाम में वेस्ट हो। 94 क्वेश्चन है, एक बिंदु से कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु है, ये रेखा खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, कितनी भी अनगिनत इनफाइनाइट अनंत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दो वृत्त की त्रिज्या में दो तीन का अनुपात है, यहाँ त्रिज्या का अनुपात कितना दो और तीन का है, उसकी परिधि का अनुपात कितना होगा, तो देखिए जब त्रिज्या की बात की जाए और उसकी परिधि की बात की जाए तो अनुपात वही रहता है, दो तीन का ही अनुपात रहेगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 4:9 हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम यानी कि आयतन की अगर बात की जाए तो फिर 9:8 और 27 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, त्रिज्या के केस में अगर रेडियस दिया है तो कभी भी सर्कमफ्रांस परिधि जो है उसका परिमाप चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो 2:3 का ही अनुपात होगा। नेक्स्ट 96, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1 किलोमीटर कितने लीटर के बराबर है, तो 1000 के बराबर आएगा, 1000 लीटर, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी की चाल जो है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 5.4 है, इसको ओपन कर लिया बटा 10 में, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आपको बतानी है, तो मीटर पर सेकंड में जब हम बताएंगे तो हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड के लिए इसको डिवाइड, इसको गुणा किया हमने किससे, 5/18 से, ठीक है 5 से कटा ये दो बार, 18 से कटा 18 यहाँ 54, 3/2 यानी कि 1.5 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है रहेगा। 98 क्वेश्चन है, फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक तापमान समान कब होते हैं, तो -40 डिग्री पर, बिल्कुल जनरल साइंस का कॉमन सा क्वेश्चन है, -40 डिग्री पर जो है ये क्या होते हैं, समान होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, 99th क्वेश्चन है, इसको आपको जो है वो एक सिंपल सी टर्म में आपको बताना है, देखिए 0.0325 इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 325 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, नीचे कितनी जीरो, 4 जीरो आ गई। अब इसको ब्रेक कीजिए, मैं 3.25 में ब्रेक करता हूँ, 2 जीरो तो मैंने यहाँ पे लगा ली, ठीक है यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए इन 2 जीरो का मैंने यूज़ कर लिया, अब नीचे 2 जीरो बची हैं तो ये यहाँ पे ऐसे बचा, ये अब इन 2 जीरो को मैं कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा तो ये 100 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10^-2, तो ये ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, -2 में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, फॉर्मूलों का ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ लिया गया था, अब क्यूबिक की फॉर्म में आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो ए प्लस बी उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो अभी तक हमने HRTC का 2009 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस किया, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए प्रॉपर आंसर की के साथ। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी है, आप हमारे साथ जो है वो बने रहें क्लास के साथ, और इसकी जो PDF है, इसकी जो कंप्लीट पेपर की PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएँ,
ये हमारी वेबसाइट है www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं, आप अपना एक कंप्लीट बैच जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये जो है वो फीस रखी गई है, उसमें भी 75% का आपका ऑफ रखा गया है, 75% का ऑफ है, 20 नवंबर तक आपका ऑफ है। तो अगर आप बैच को लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिए 75% आपका ऑफ रखा गया है, तो 200 का आप 75% खुद ही निकाल लीजिए कितना बनता है। 200 का जब आप 75% निकालेंगे यानी कि 150 रुपये आपको डायरेक्ट छूट मिल रही है, तो 200 रुपये का जो आपका बैच है वो सिर्फ मात्र आपको 50 रुपये में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। कूपन कोड आपको दिया गया है, सिर्फ 50 रुपये में आपको जो है वो ये बैच जो है वो दिया जा रहा है। पूरा एक महीने का आपका ये कोर्स रहेगा, 50 रुपये का आपका कोर्स है, जिसमें 10 से ज्यादा आपके मॉक पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई, HRTC कंडक्टर का 2009 का क्वेश्चन पेपर हमने आज डिस्कस किया। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जल्दी ही HRTC कंडक्टर का 2013 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उसको भी हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। और वीडियो के साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत।